Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. I am Sakshi, your computer teacher. So, अभी recently क्या हुआ है आपके बुक के chapter 3 का टेस्ट हुआ है ना? So, सभी बच्चों ने टेस्ट बहुत अच्छा दिया है. प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी चिल्ड्रन? प्रॉब्लम आ रही थी स्पेलिंग में. ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न करना है. लाइक कीबोर्ड, माइक्रोफोन, माउस, इनमें क्या थी बच्चे आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स थी. ठीक है, और एक क्वेश्चन था जिनको बच्चों ने कम अटेम्प्ट किया हुआ था. जैसे कि एक डिवाइस होता है चिल्ड्रन, स्टोरेज डिवाइस, जो कि कहाँ पे फिक्स होता है, सीपीयू बॉक्स में फिक्स होता है. तो उसका नेम क्या होता है चिल्ड्रन? उसका नेम होता है हार्ड डिस्क. ओके, और एक स्टोरेज डिवाइस होता है चिल्ड्रन, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को कॉपी करने के लिए यूज होता है. उसका नेम होता है चिल्ड्रन पेन ड्राइव. ओके, सो आपको इनको अच्छे से याद करना है, अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से करेक्ट करना है. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट को सॉल्व करेंगे. ओके चिल्ड्रन, अभी टेस्ट को सॉल्व करते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. ये आपको ब्लैंक्स दिए हुए थे और हिंट्स दिए हुए थे, तो हिंट्स की हेल्प से आपको ब्लैंक्स को फिल करना था. सो फर्स्ट है, अ डैश इज यूज टू रिकॉर्ड आर वॉइस इन टू अ कंप्यूटर. ऐसा क्या है चिल्ड्रन जिसके हेल्प से हम हमारी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में? तो क्या है ऐसा? माइक्रोफोन. ठीक है, तो हम यहाँ क्या राइट डाउन करेंगे? माइक्रोफोन. चिल्ड्रन आप स्पेलिंग अच्छे से लर्न किया करो. एक चिल्ड्रन ने क्या किया हुआ था, यहाँ पे माइक्रोफोन की स्पेलिंग लिखी हुई है, हिंट्स में दी हुई है, फिर भी वहाँ पे क्या कर रखी थी, रॉन्ग कर रखी थी. तो चिल्ड्रन आप प्लीज़ इसको ध्यान में रखा कीजिए. सी डी स्टैंड्स फॉर, सी डी की फुल फॉर्म क्या होती है चिल्ड्रन? कॉम्पैक्ट डिस्क. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कॉम्पैक्ट डिस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश डिवाइसेस आर यूज टू एंटर डेटा इन टू अ कंप्यूटर. ऐसे डिवाइसेस चिल्ड्रन जो किस लिए यूज होते हैं? कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए यूज होते हैं. ओके, सो इसका आंसर क्या है? ऐसे डिवाइसेस कौन से होते हैं चिल्ड्रन? इनपुट डिवाइसेस. तो इसका आंसर है इनपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, है ना? तो फर्स्ट है, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द फाइनल आउटपुट. जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो फाइनल आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं. तो ये क्या है? ट्रू है. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? टी. नेक्स्ट है, स्पीकर्स आर यूज टू रिकॉर्ड साउंड. कह रहा है जो स्पीकर्स है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? साउंड को रिकॉर्ड करते हैं. पर ये तो रॉन्ग है. हम साउंड को किसकी हेल्प से रिकॉर्ड करते हैं? माइक्रोफोन की हेल्प से करते हैं. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्पीकर्स दिया हुआ है. सो ये क्या है? ये फॉल्स है. ओके, ये ट्रू फॉल्स सभी चिल्ड्रन के सही थे. सो वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट है, टिक द राइट आंसर. द प्रिंटेड कॉपी ऑन अ पेपर इज कॉल्ड द डैश. जो प्रिंटेड कॉपी होती है पेपर की, उसे क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? हार्ड कॉपी बोलते हैं. ठीक है, और इसका सेकंड है, टिक द राइट आंसर का सेकंड क्वेश्चन है, अ डैश इज यूज फॉर टाइपिंग लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स. ऐसा क्या है चिल्ड्रन जिसकी हेल्प से हम लेटर्स को, वर्ड्स को, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स को टाइप करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज कीबोर्ड. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कीबोर्ड. नेक्स्ट है चिल्ड्रन, नेम द डिवाइस विच इज यूज फॉर कॉपिंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. सो हमने ऐसे डिवाइस का नेम बताना है चिल्ड्रन जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा कॉपी करने के लिए यूज होता है. तो वो डिवाइस कौन सा है चिल्ड्रन? पेन ड्राइव.
ये मोस्टली सभी ने करेक्ट किया हुआ था. तो क्या है इसका आंसर? पेन ड्राइव. ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. इसमें हमने क्या बताना था? कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में नेम बताने थे. ठीक है, तो कौन से हैं चिल्ड्रन? मॉनिटर. चिल्ड्रन, ये जो मॉनिटर की स्पेलिंग है ये आप अच्छे से लर्न कीजिए. एक दो स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत थी. ठीक है, नेक्स्ट है कीबोर्ड, माउस. माउस की स्पेलिंग भी गलत थी एक चिल्ड्रन की. नेक्स्ट क्या है? माउस. सो एक चाइल्ड के माउस की स्पेलिंग भी क्या थी? गलत थी. ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से याद कीजिए. नेक्स्ट है सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर. ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टोरेज डिवाइस इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. ऐसा स्टोरेज डिवाइस कौन सा है चिल्ड्रन जो सीपीयू बॉक्स के अंदर फिक्स्ड होता है? सो चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन एक दो बच्चों ने स्किप किया हुआ था, इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ था. सो चिल्ड्रन, इसका आंसर है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क ऐसा एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस होता है जो सीपीयू बॉक्स के अंदर फिक्स्ड होता है. ओके, सो आपको ये क्या करना है? रिवाइज करना है, अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है. ठीक है, और सभी की स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करनी है. ओके, बाय चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे.